नमस्कार, वीकेपी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आई नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चित्रा वाघ ने दी उमरेड बलात्कार मामले पर अपनी प्रतिक्रिया, कहा राज्य में ऐसी घटना होना गंभीर और निंदनीय बात। नागपुर में स्टेट बैंक एटीएम सेंटर में चोरी की घटना आई सामने, कुल 5,80,000 रुपए की चोरी को दिया गया अंजाम। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले चंद्रपुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर, किसानों से की आत्महत्या ना करने की अपील। उमरेड में 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची पर हुए बलात्कार की जानकारी लेने के लिए भाजपा नेता चित्रा वाघ ने नागपुर का दौरा किया है। उमरेड में हुए बलात्कार पर बोलते हुए उन्होंने कहा, ये बहुत संतापजनक घटना है, इसमें और आरोपी होने की संभावना है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। उन्होंने बोलते समय उमरेड पुलिस की भी तारीफ की है। ऐसी घटना राज्य में होना ये बहुत गंभीर और निंदनीय बात है। हमने राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात की है कि वो महिलाओं के लिए स्पेशल कोर्ट्स तैयार करें, ऐसी प्रतिक्रिया भी उन्होंने बोलते वक्त दी है। आज या ठिकाणी उमरेडला मी आलेली आहे नागपूर ग्रामीण, आणि त्या ठिकाणी 11 वर्षीय मुलीवरती जवळपास 10 जणांनी सामूहिक बलात्कार केल्याची अतिशय गंभीर आणि संतापजनक घटना घडली। अजूनही पोलिसांचा तपास सुरू आहे। या हे जे आरोपी आहेत त्यांच्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। त्या संदर्भामध्ये आज मुलीच्या परिवाराची भेट घेतली, संबंधित पोलिसांची भेट घेतली। नागपूर ग्रामीणच्या DYSP पूजा गायकवाड आणि त्याचबरोबरीने भोंगेजी यांचं कौतुक केलं पाहिजे, उमरेड पोलीस स्टेशनचं कौतुक केलं पाहिजे की एका खुनाच्या केसमध्ये काही धागेदोरे सापडलेले असताना त्यातून हा प्रकार जो आहे तो समोर आलेला आहे। आणि अवघ्या 6 तासांमध्ये पोलिसांनी 10 जणांच्या मुसक्या त्या ठिकाणी आढळलेल्या आहेत। अशा घटना राज्यामध्ये घडणं हे अतिशय गंभीर आहे आणि तितकंच वेदनादायी सुद्धा आहे, कारण इतक्या लहान मुलींवरती होणाऱ्या म्हणजेच पॉक्सोच्या केसेसच्या घटना ज्या आहेत त्या राज्यात वारंवार वाढताना आपल्याला दिसत आहेत। आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांकडे मागणी केलेली आहे की महिलांसाठी स्पेशल कोर्ट्स त्या ठिकाणी अस्तित्वात करावे, कारण फास्ट ट्रॅक कोर्ट महाराष्ट्रामध्ये अस्तित्वात नाही। सध्या ॲडहॉक कोर्ट्स कोर्टमध्ये त्या ठिकाणी केसेस चालवल्या जातात। 2020 डेटाप्रमाणे जवळपास 1,62,000 आणि किती 213 इतक्या केसेस 2021 पेंडिंग होत्या। आता 2022 चालू आहे, त्या केसेसमध्ये निश्चितपणे वाढच झालेली असेल आणि त्यामुळेच महिलांसाठी स्पेशल कोर्ट्स ही जुनीच मागणी आहे, ती पुन्हा एकदा आम्ही सरकारच्या समोर ठेवतो की या केसेस महिलांच्या स्पेशल कोर्ट्समध्ये चालवण्यात याव्या, ज्या जेणेकरून या मुलींना महिलांना लवकर न्याय मिळेल। या प्रकरणाचा पाठपुरावा उमरेडचे भारतीय जनता पार्टीचे आमचे नेते सुधीरजी पारवे यांनी त्या ठिकाणी पत्राद्वारे, जेव्हा ही घटना घडली तेव्हापासून त्या घटनेचा पाठपुरावा त्यांनी केला। पोलिसांकडे ज्या त्या त्या वेळेला ज्या सूचना द्यायच्या होत्या त्याही त्यांनी त्या ठिकाणी दिल्या। एवढंच नाही तर राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी या घटनेबाबतच्या त्यांच्या ज्या काही मागण्या होत्या त्या पत्राद्वारे त्यांनी दिलेल्या आहेत। या घटनेबरोबरच पॉक्सोच्या केसेसबरोबरच अमरावतीमध्ये गेल्या 3 महिन्यात जवळपास 872 महिला गायब झाल्याची सुद्धा धक्कादायक बातमी समोर आलेली आहे। आपल्याला कल्पना आहे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये तत्कालीन गृहमंत्री दिलीपराव वळसे पाटील यांनी अधिवेशनामध्ये हाऊसमध्ये जवळपास राज्यातून 25,000 महिला मुली या पूर्ण गायब झालेल्याची माहिती त्या ठिकाणी। याच्याचसाठी एकतर पॉक्सो गुन्हा नोंद झालेला आहे, त्याच्यामुळे 60 दिवसामध्ये चार्जशीट नक्की होणार आहे फाईल। त्याच्यानंतरही लवकर फास्ट प्रक्रियेमधून चालावं यासाठीच मगाशी मी म्हटलं की महिलांसाठी स्पेशल कोर्स असावे ही मागणी आम्ही सरकारकडे करणार, जेणेकरून 20 नाही तर हिच्यासारख्या ज्या लाखो केसेस पेंडिंग आहेत त्यांना त्या ठिकाणी न्याय मिळेल। नागपुर महानगर पालिका की ओर से हर घर तिरंगा इस संकल्पना के अंतर्गत देश की शान तिरंगा ध्वज को फहराने की विधि के बारे में जानकारी देने के लिए एक वीडियो का विमोचन किया गया है, आइए देखते हैं। यंदा 15 ऑगस्ट 2022
भारतीय स्वातंत्र्याचे 75वे वर्ष पूर्ण होत आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त हर घर तिरंगा हा उपक्रम राबवण्याचं शासनाने ठरवलंय. या उपक्रमांतर्गत देशातील प्रत्येक घरावर दिनांक 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट पर्यंत आपल्या अस्मितेचं प्रतीक असलेला आपला राष्ट्रध्वज फडकवायचा आहे. मात्र आता हा तिरंगा फडकवित असताना या तिरंग्याचा कुठेही अवमान होऊ नये. राष्ट्रध्वज कसा लावावा, कधी आणि कसा उतरवावा याबद्दलची संपूर्ण माहिती आपण या व्हिडिओतून समजून घेऊया. आपला राष्ट्रध्वज हा हाताने कातलेल्या किंवा विणलेल्या अथवा मशीनद्वारे तयार केलेल्या सूत, पॉलिस्टर, सिल्क, खादी किंवा लोकरी पासून तयार केलेलाच वापरावा. प्लास्टिक किंवा कागदी झेंडा फडकवू नये. तिरंग्याचा आकार हा 3:2 या प्रमाणात राहील अशी असावी. राष्ट्रीय ध्वज फडकवताना हवामान कसेही असले तरी तो सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत फडकवावा. तिरंगा फडकवताना नेहमी झेंड्यातील केशरी रंग हा वरच्या बाजूने आणि हिरवा रंग जमिनीच्या बाजूने राहील याप्रमाणेच फडकवावा. राष्ट्रीय ध्वज लावताना स्तंभाच्या वरच्या टोकावर लावावा, त्याला इतरत्र लावू नये. राष्ट्रध्वज लावताना इतर सजावटी वस्तू लावू नये. केवळ फडकवण्याआधी त्यात फुलं किंवा पाकळ्या ठेवण्यास मनाई नाही. राष्ट्रध्वजावर कोणत्याही प्रकारचे अक्षर किंवा चिन्ह लिहू नये. तसंच ध्वजस्तंभाच्या वर अथवा आजूबाजूला काहीही लावू नये. राष्ट्रध्वज कुठल्याही प्रकारे फाटलेला, मळलेला अथवा चुरगळलेला लावण्यात येऊ नये. तसंच तो एकाच वेळी इतर ध्वजासोबत एकाच काठीवर फडकवू नये. राष्ट्रध्वजाचा कोणत्याही प्रकारे तोरण, गुच्छ अथवा पताका म्हणून किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे शोभेसाठी उपयोग करू नये. राष्ट्रीय ध्वज उभारताना तो कुठल्याही पद्धतीनं फाटणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसंच ध्वज उतरवताना पूर्ण सावधतेनं आणि सन्मानानं हळूहळू उतरवावा. राष्ट्रध्वज उतरवल्यानंतर व्यवस्थित आणि सुरक्षित ठिकाणी ठेवावा. आपला राष्ट्रध्वज तिरंगा हा आपला अभिमान, आपली अस्मिता आहे. त्याचा कुठल्याही प्रकारे अनादर होईल असं कृत्य करू नका. चला देशाच्या अस्मितेचा गौरव करूया, प्रत्येक घरी झेंडा फडकवूया. नागपुर के जरीपटका थाना अंतर्गत खाने का बिल मांगने पर 3 लोगों ने बियर बार में तोड़फोड़ करके बार मालिक को जान से मारने की धमकी देने की घटना सामने आई है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मोनू गरेवाल, एंथनी टेम्भेकर और उनका एक राहुल नाम का साथी गुरुवार को जरीपटका के राजमोहन बियर बार में आए थे. उनके खाने पीने का बिल 3,000 से ज्यादा आया था. वेटर जब बिल देने उनके पास गया तब उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया. बार के मालिक को देख लेंगे ऐसा कहकर उन्होंने कांच के ग्लासेस जमीन पर पटक कर फोड़ना शुरू कर दिया. बार मालिक चंद्रकार भगचंदानी ने बीच बचाव किया तो आरोपियों ने उन्हें व वेटर को जान से मारने की धमकी दी और फिर से तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया. फिर परेशान होकर बार के मालिक चंद्रकांत भगचंदानी ने जरीपटका थाने में शिकायत दर्ज कराई. यह एंथोनी नाम का लड़का जो अपने साथीदारों के साथ में आया, 3240 रुपये का इन लोगों का बिल बना. वेटर के बिल की जब डिमांड की गई, मतलब हमारा जो है जाता है दारू पीने के बाद बिल जाता है कस्टमर की तरफ, तो इन लोगों ने वेटर से मिसबिहेव करके उनको गालियां दी. उसके बाद बिल के ऊपर बोले साहब आपने खाना पाना खाया तो बिल तो आपको देना ही है ना, नहीं देते करके उस लड़के से गाली उतार की है और बोले तेरे मालक को बोला, मालक को देख लेंगे हम लोग, ऐसा बोल के उन लोगों ने वहाँ पे एक गिलास फोड़ा. मैंने जब उनको समझाने का प्रयास किया तो तेरे को देख लेंगे इस तरीके से जान अपना जान से मारने के लिए धमकी देने और गाली गलौज करके ये लोग यहाँ से निकलना, दुकान की तरफ से बाहर निकलना शुरू किया. इतने में मैंने हमारे एरिया के PI श्री बाकल साहब को मैंने कॉल करके बताया, मैं साहब इस तरीके की बात है, यह व्यक्ति हमारे दुकान के अंदर दारू पीने के बिल के ऊपर हंगामा कर रहा है और हमको धमकियाँ दे रहा है. साहब ने तुरंत अपने स्टाफ को भेज के उन्होंने हमारे वो एक कानूनी रूप से जो उनके हमसे मदद हमको मदद दी और जो भी उचित कार्रवाई की उनके ऊपर की. नागपुर के बर्डी थाना अंतर्गत स्टेट बैंक के ATM सेंटर में 3 से 4 मशीन्स है, जिसमें से एक मशीन से पैसे चोरी होने की घटना सामने आई है. मैनेजर को खबर का पता चलते ही उसने पुलिस में शिकायत दर्ज की. मैनेजर ने दी हुई जानकारी के अनुसार कुल 5,80,000 रुपए की 500 रुपए की नोटें चोरी हुई है. ATM में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नजर नहीं आ रही. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर घटना व आरोपी का पता लगाने का प्रयास कर रही है. स्टेट बैंक ATM सेंटर है, या ठिकाणी 3 ते 4 मशीन है, त्यापैकी एक मशीन तो
कैश ठेवण्याचा का दरवाजा उघडा असल्याबाबत मॅनेजरच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी आता आम्हाला पोलीस स्टेशनला खबर दिलेली आहे. या ठिकाणी आम्ही पाहणी केलेली आहे. त्या ठिकाणी अंदाजे मॅनेजरच्या सांगण्याप्रमाणे साधारण 5,80,000 रुपयेपर्यंतची अमाऊंट चोरीला गेलेली आहे. कुठल्याही प्रकारची तोडफोड दिसून येत नाही, परंतु आता याच्यामध्ये आम्ही गुन्हा दाखल करून पुढचा तपास करू. आता आम्ही त्याची पाहणी करत आहोत, CCTV आणि आजूबाजूची CCTV वगैरे आम्ही पाहणी करत आहोत आणि त्याच्यामध्ये योग्य तो तपास करीत आहोत. तोडफोड तर दिसत नाही आहे, परंतु आता आमचे फॉरेन्सिक एक्सपर्ट वगैरे आलेले आहेत, त्याच्यामध्ये काही तपासामध्ये काय मिळते का त्याप्रमाणे बघून पुढील तपास त्याच्याबद्दल आपण आताच खबर आलेली आहे. आता आम्ही त्याच्याबद्दल चौकशी करू आणि मग बघूया. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. Love you, दीपिका. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. फिर से स्वागत है. पूरे भारत में स्वातंत्र्य का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. इस अवसर पर राज्य रिजर्व पुलिस बल समूह संख्या 4 नागपुर की स्थापना पर आज समूह प्रतिष्ठान के समस्त पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस प्रहरियों की भागीदारी से साइकिल रैली का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया. भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति को जीवित रखा जाना चाहिए और स्वतंत्रता की ज्योति जलती रहे और लोगों के मन में देशभक्ति की भावना हमेशा बनी रहे. इस उद्देश्य से इस गौरवशाली इतिहास के संस्मरण के लिए 20 जुलाई से 15 अगस्त तक भारत देश में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर राज्य रिजर्व पुलिस बल समूह संख्या 4 नागपुर की स्थापना पर 75 किलोमीटर की दौड़, साइकिल रैली, वरिष्ठ नागरिक यात्रा, विद्यार्थियों की पैदल रैली, 10 किलोमीटर मैराथन, नागपुर के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा वृक्षारोपण, हथियार प्रदर्शनी, आपदा प्रबंधन साहित्य प्रदर्शनी और प्रात्यक्षिक का आयोजन किया जाएगा. आज समूह प्रतिष्ठान के समस्त पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस प्रहरियों की भागीदारी से साइकिल रैली का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया. जेनेटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर रवि वैरागड़े द्वारा आरोग्यम 360 हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें दूर दराज से आए मरीजों का उपचार के लिए मार्गदर्शन किया गया था. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हेमंत सोनारे उपस्थित थे. उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया. जेनेटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर रवि वैरागड़े द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अपने संभाषण के समय उन्होंने कहा कि एडवांस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एकमेव ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ 360 डिग्री इलाज किया जाता है. उन्होंने कहा कि हम सिर्फ शरीर के अवयवों के बारे में सोचकर उनका इलाज करते हैं, लेकिन मन, हृदय, आत्मा का इलाज भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता. शारीरिक इलाज के साथ मन, आत्मा और दिमाग का इलाज, मतलब 360 डिग्री इलाज करने वाली एडवांस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एकमात्र संस्था है.
यहाँ इलाज करने के लिए सिर्फ देश भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं और यहाँ आते ही 5 दिनों के अंदर ही उन्हें सकारात्मक परिणाम दिखना शुरू हो जाता है। इस अवसर पर जेनेटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर रवि वैरागणे ने मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमंत सोनारे का उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। हेमंत सोनारे सर ने आता जे सांगितलं की 360 डिग्री म्हणजे सरांनी आमच्या इलाजाचा जो मर्म असते ना तो किती सुंदर ओळखला बघा। कारण की आपण फक्त जेव्हा गोळ्या घेतो तर अवयवावर इलाज करायचा प्रयत्न करतो पण मन सुटून जातं, हृदय सुटून जातं, तर माइंड बॉडी हार्ट अँड सोल हे चारही गोष्टी एकत्र करणारा इलाज म्हणजे 360 डिग्री इलाज। आणि सरांनी नेमका तो शब्द पकडला आणि ॲडव्हान्स यासाठी जाणला जातो की पूर्ण जगामध्ये मुळापासून इलाज करणारी एकमात्र हेल्थ ऑर्गनायझेशन म्हणजे ॲडव्हान्स हेल्थ। इथे पूर्ण भारतभरातूनच नाही जगभरातून पेशंट येतात असंभव आजाराला हरवण्यासाठी आणि 5 दिवसात त्यांना एक नवीन जीवन, नवीन आशा आणि ॲक्च्युली 5 दिवसामध्ये रिझल्ट दिसायला लागतात असा हा उपक्रम आहे। आम्ही समाजासाठी हा तयार केला आहे आणि ही तर आमची सामाजिक सेवाच आहे। आणि हेमंत सोनारे सरांसारखे समाजसेवक जेव्हा इथे येतात तेव्हा या समाजसेवेला एक आणखी जोर लागतो, बळ मिळतो। सर सोनारे सर तुम्हाला फार फार धन्यवाद, इथे आले लोक आणि सगळ्या जे योद्धा आहेत त्यांना तुम्ही प्रोत्साहन दिलं त्याबद्दल फार फार धन्यवाद सर, थँक्यू। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले चंद्रपुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राजुरा तालुका के पुरबुड़ी में दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। सड़क को गीली मिट्टी से भरा देखकर पटोले और अन्य नेताओं ने भी बैलगाड़ी चलाने की इच्छा पूरी की। दौरे के बाद उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10.5 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि फसलों को नुकसान पहुंचा है। राज्य में 2 लोगों की असंवैधानिक सरकार मजा ले रही है और फिर भी किसानों को कोई मदद या मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसकी उन्होंने आलोचना भी की। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले चंद्रपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अपने दौरे पर है। उन्होंने राजुरा तालुका के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया और स्थिति देखी। उन्होंने बताया कि राज्य में 10.5 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि फसलों को नुकसान हुआ है। राज्य में 2 लोगों की असंवैधानिक सरकार आनंद ले रही है और अभी भी किसानों की मदद या मुआवजा नहीं दिया गया है, ऐसी आलोचना भी की। चंद्रपुर जिले में युवा किसानों की आत्महत्या के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, सत्ता के उन्माद में इस सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से घर भेजा जाएगा, और किसानों को आत्महत्या न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भूमिका हमेशा से ही किसानों के हित में रही है। अशा परिस्थितीमध्ये राज्याचं सरकार 2 लोकांचं जे आहे ते असंविधानिक सरकार आहे, ते निर्णय घेऊ शकत नाही, ते स्वतःच्याच मस्तीमध्ये गुल आहेत। आणि एकीकडे तुम्ही म्हणालात त्याप्रमाणे शेतकरी आत्महत्या करते, आम्ही शेतकऱ्यांना आवाहन करतो की आत्महत्या कोणी करू नका। जे आपल्याला आत्महत्या करायला बाध्य करतात त्यांना आम्ही लोकशाही पद्धतीनं कसं त्यांना घरी पाठवायची ती व्यवस्था करू। काँग्रेस पक्ष या सगळ्या शेतकऱ्यांना आणि गरीब लोकांना मदत करायची भूमिका काँग्रेस पक्षाची राहणार आहे। सरकारशी 2 हात करू। मी आता हा दावा केला, परवा मी मुंबईत 1 तारखेला आहे, उद्या मी नाशिक आणि अहमदनगरमध्ये आहे। 1 तारखेला मी गेल्याच मुख्यमंत्री आणि राज्याचे मुख्य सचिव त्यांच्या सगळ्यांचं लक्ष वेधून तातडीने शेतकऱ्याला मदत सुरू झाली पाहिजे, गरीब माणसाला मदत सुरू झाली पाहिजे, ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची राहणार आहे। स्थानीय न्यू कामठी पुलिस स्टेशन में 3 आरोपियों पर आपराधिक संहिता की धारा 399 और अन्य गंभीर अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया था और सुनवाई की तारीख को आज कामठी कोर्ट में पेश किया गया। इन 3 आरोपियों में से 1 आरोपी मौके का फायदा उठाकर कामठी कोर्ट से फरार हो गया। ये घटना आज दोपहर 1:15 की है। पुलिस ने तलाश की गति बढ़ाकर पारसीपुरा बागडोर नाला के पास कलमना रोड से आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार आरोपी के नाम शेख जाफर शेख मुजफ्फर, उम्र 35 वर्ष, निवासी कामगार नगर कामठी का रहने वाला है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आईपीसी की धारा 399 के तहत दर्ज मामले में नामे शेख जाफर शेख मुजफ्फर, शेख शबीब मोहम्मद, आबिद उर्फ चाटी नाम के 3 आरोपी नागपुर सेंट्रल जेल में पुलिस न्यायिक हिरासत में थे। नागपुर सेंट्रल जेल के पुलिस कर्मियों ने इन 3 आरोपियों को कामठी की अदालत में लाया और उन्हें जज कोटनीस की अदालत में पेश करने के लिए ले गए। ये 3 आरोपी में से मोहम्मद जफर नाम का आरोपी हथकड़ी और रस्सियों से मुक्त था। इस बात का फायदा उठाकर वो अदालत से फरार हो गया। फिर वहां उपस्थित पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उक्त दरबारी अदालत की इमारत के पीछे झाड़ियों के बीच से भागने में आरोपी सफल रहा। घटना की सूचना हवा की तरह फैल गई और हर तरफ चर्चा का विषय बनी।
आरोपी की तलाश में कामठी पुलिस की टीम युद्ध स्तर पर ड्यूटी पर थी। इस दौरान नवीन कामठी थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष वैरागड़े, डीबी स्क्वाड के प्रभारी पुलिस उप निरीक्षक श्याम वारंगे और साथ ही डीबी टीम ने सफल भूमिका निभाई और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन कामठी गुन्हा रजिस्टर नंबर है 10/21 January 2021 चा गुन्हा आहे, ज्यामध्ये 399/425 मध्ये आरोपी अटक होते आणि ते काही आरोपी जेलमध्ये चालले अटक पडतो। त्यांची आरोपी पीसी आज होती, त्यामध्ये शेख जाफर, शेख समीर आणि आकीबाई मध असे तीन आरोपींची आरोपी पीसी मुख्यालयामधून लागली होती। मुख्यालयाचे ASI हवालदार आणि दोन महिला कर्मचारी असे चार गार्ड होती आणि त्यांनी सेंट्रल जेलमधून आरोपी ताब्यात घेऊन कामठी कोर्टामध्ये हजर करण्यासाठी आले होते। कामठी कोर्टामध्ये आरोपींना हजर करतेवेळेस त्यांच्या ताब्यात असलेला एक आरोपी शेख जाफर, शेख मुजफ्फर, हा आरोपी त्यांच्या ताब्यातून कोर्टातून पळून गेला। त्यावेळेस त्यांनी पाठलाग करून पकडण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांना सापडला नाही। आम्हाला पोलीस स्टेशनला त्यांनी माहिती दिली, त्या माहितीवरून आम्ही आमचे सगळे स्टाफ, अधिकारी, बीट मार्शल्स, डिटेक्शन त्यांचे अशा सर्वांनी मिळून संपूर्ण परिसर मध्ये शोध घेतला पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये कुठे कुठे पळू शकतो म्हणून। आणि नंतर मग आम्हाला काही टीप मिळाली पारसीपुरा नाला याच्या आजूबाजूला असलेल्या जंगल झुडपामध्ये हा लपून बसलेला आहे, त्या ठिकाणी आम्ही सर्वांनी कॉर्डन केलं आणि संपूर्ण सर्च घेतला तेव्हा आम्हाला त्या झाडे झुडपामध्ये हा मिळून आला, त्याला ताब्यात घेतलं आणि पोलीस स्टेशनला घेऊन आलं। ही सर्व मोहीम आमची कंटिन्यू 1 वाजेपासून 4:15 3:15 तास कंटिन्यू चालू होती आणि त्यामध्ये आम्हाला ते यश मिळालं। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।